हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेकर आया हूं आपके सामने फिर से एक और प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट आपके लिए जीके का। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स जैसा कि डबल ए का एग्जाम हो चुका है फ्रेंड्स, और उसका रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि 20 से 30 डेज के अंदर बोला गया था कि इसके अंदर रिजल्ट निकल जाएगा, मतलब रिजल्ट आउट हो जाएगा फ्रेंड्स, और बाकी एक प्रोसेस उससे आगे समय में होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रखा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। फ्रेंड्स तो आपको ये तो पता ही होगा कौन था, लॉर्ड कैनिंग था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, लैलो अली का संबंध किस खेल से फ्रेंड्स, मुक्केबाजी से फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है फ्रेंड्स, वो है फ्रेंड्स भूमध्य सागर, जिसकी सीमा जो है 3 महाद्वीपों को छूती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में पारित कराने का कारण क्या था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्योंकि 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था यह दिन, मतलब जो 26 जनवरी है फ्रेंड्स 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था फ्रेंड्स, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, किस देशांतर से भारत का जो समय लिया जाता है फ्रेंड्स, तो इलाहाबाद 82.5 डिग्री से, इलाहाबाद से होकर गुजरती है फ्रेंड्स हमारी इंडिया से, तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, गुलाबी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है फ्रेंड्स, तो झींगा से संबंधित है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन में जो मार्केट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो अभी इस बार सम्मानित किया गया, तो अमूल को किया गया। आपने देखा होगा अमूल जो दूध आता है, अमूल के काफ़ी कुछ आते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली इन फोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन गो वाइड दैट किस शहर से लॉन्च हुआ फ्रेंड्स, चंडीगढ़ से। देखिए प्रायोग ऐतिहासिक, आपने पढ़ा होगा जो ऐतिहासिक पाषाण काल वगैरह जो पढ़ा होगा, तो इसमें ये पूछ रहा है प्राग ऐतिहासिक मानव का भोजन क्या था फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे भोजन था फ्रेंड्स जड़ और फल। नेक्स्ट देखिए, इसने पूछा है वंशों की शुरुआत के, मतलब वंशों का क्रम बताना सही से, तो कौन सा क्रम इसमें करेक्ट है फ्रेंड्स ये बताना है। तो फ्रेंड्स आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, गुलाब खिले तो सूंघ लेना। देखिए गुलाब खिले तो सूंघ लेना। देखिए कैसे दिल्ली संतलत है पूरा, ये इसे कर सकते हैं आप, दिल्ली को पूरा याद कर सकते हैं। दिल्ली संतलत में कौन कौन क्या क्या रहा था, देखिए गुलाब मतलब गुलाब वंश, खास से खिलजी वंश, ठीक है, ता से तुकलक वंश, सात से सैयद वंश, एल से लाल से लोधी वंश, क्लियर। तो उसने पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो देखिए फ्रेंड्स गुलाब खिलजी तुगलक, लेकिन मुगल बाद में आया था फ्रेंड्स, इसमें लोधी वंश और सैयद वंश के बारे में कोई बात नहीं की है, तो गुलाब कौन सा होगा, मुगल वंश, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी फ्रेंड्स, भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है फ्रेंड्स। देखिए जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय मान क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा, पश्चिमी स्थानों की जगहों से आगे होगा, मतलब जो पूर्वी स्थानों का जो मान है, आपने देखा होगा हमारी इंडिया का जो है टाइम 5.5 घंटे आगे होता है लंदन से, जहाँ से हमारी जो विषुवत रेखा के बारे में बात करें, वहाँ से जो ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन से गुजरती है, तो वहाँ से 5.5 घंटे ज़्यादा होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा जो इंडिया जो है पूरब में पड़ता है, इस वजह से पहले टाइम आ जाता है, उसके बाद वहाँ जैसे यहाँ 12 बज गए तो वहाँ बाद में बजेंगे 12, क्लियर। तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो 356 मतलब 356 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट देखिए, कुल जनसंख्या की दृष्टि से हमारे इंडिया का कौन सा नंबर है फ्रेंड्स, कौन सा स्थान है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब दूसरा स्थान है फ्रेंड्स, पहला चाइना। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्यों की सूची दे रखी, तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं भांगड़ा पंजाब में होता है, डांडिया गुजरात में होता है, नौटंकी उत्तर प्रदेश की बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, और बाकी का ये बचा हुआ बिहू, ये उत्तरांचल, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है फ्रेंड्स।
देखिए, ऐ मेरे वतन के लोगों, आपने देशभक्ति गीत सुना होगा। तो फ्रेंड्स, प्रदीप ने लिखा था ये। नेक्स्ट देखिए, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 8 मई को फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा 2018 अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों या बोल सकते हैं आईएसजी की मेजबानी रहा है? तो फ्रेंड्स ये तीनों रहे हैं, ईरान भी रहा है, आर्मेनिया रहा है और रूस भी रहा है, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, किस उपन्यास ने 2018 गोल्डमैन बुकर पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स? तो अंग्रेजी रोगी ने जीता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अब आया थोड़ा बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, डबल ए में करीब करीब 8 क्वेश्चन तक रीजनिंग के मिले थे और कम से कम 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म मिली थी। तो क्लियर, देखिए आप कितना मतलब पैटर्न को चेंज कर दिया, मतलब रीजनिंग जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो रीजनिंग को जाहिर सी बात है कर पाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, 8 क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पॉइंट मिल रहे हैं कि 8 क्वेश्चन कर देंगे और थोड़ा फुल फॉर्म देखेंगे, तभी भी फुल फॉर्म से होता है। मैं जानता हूँ काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका जीके बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, जिन्हें याद नहीं हो पाता, तो वीक होता था फ्रेंड्स, इस वजह से क्या करते हैं हम उस चीज़ को याद नहीं कर पाते। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन याद रहते हैं जीके के, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाते। तो जाहिर सी बात है, देखिए 8 क्वेश्चन थे जिनके पास और हमारे पास क्या था, प्लस 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म के, 3 या 4 थे, तो मतलब 12 क्वेश्चन ये बन रहे हैं, मतलब मान सकते हैं 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तक तो इसी से बने हुए थे। क्लियर, तो फ्रेंड्स आपको करीब कितने नंबर चाहिए होते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन हमें करेक्ट करने होते हैं फ्रेंड्स? तो 13 कम से कम करेक्ट होने चाहिए फ्रेंड्स सभी में पास होने के लिए। और फ्रेंड्स SSR की बात करें तो SSR में भी फ्रेंड्स सभी में पास होना आवश्यक है, इस बात को छोड़ दीजिएगा कि SSR में ऐसा कुछ है कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बता दें आपके लिए सभी में पास होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्लियर, तो देखिए आपके 10 क्वेश्चन अगर यहाँ करेक्ट होते, 3 क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत अभी तक तो ये मानना है कि SSR में अभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि डबल ए में तो नेगेटिव मार्किंग के लिए बोल दिया था हमने, नोटिफिकेशन पढ़ा था उसका, तो नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं दे रखा था SSR के लिए। तो और देखते हैं जब मार्किंग होगी तो कैसे होती है, क्या पता तभी पता चलेगा। अगर आपके लिए ये अच्छा पॉइंट है, प्लस पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो जीके के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि आप 10 क्वेश्चन तो कर ही देंगे करेक्ट, बाकी का 3 क्वेश्चन तो आपके थोड़े बहुत बोलते हैं कि कुछ करेक्ट हो ही जाएंगे। तो देखिए, इसमें पूछा है अम्ब्रेला क्यों, मतलब किस शब्दों में लिखा जा रहा है, इन अक्षरों से डिनोट किया जा रहा है, तो बी एयर को किस किया जाएगा, तो क्योंकि बी यहाँ बी 3rd नंबर पर, तो बी 3rd नंबर पर मतलब तीसरा। क्लियर, तो देखिए नंबरिंग दे रखी है, ई कौन से नंबर पर फ्रेंड्स, ई यहाँ पर देखिए कौन से नंबर पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पर है। तो आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है, तो 35, 35, तो 2-3 ऑप्शन में आ रहा है नीचे तक फ्रेंड्स, तो कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। क्लियर, अब देखो ए कहाँ दे रखा लास्ट में, तो मतलब 8, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ आ गया 8, मतलब अभी तक 2 करेक्ट आ रहे हैं। अब देखो थर्ड वाला देखते हैं, तो लास्ट वाला जो आर दे रखा है, तो आर कौन से नंबर पर फ्रेंड्स, 5th नंबर पर, पीछे से 5th, तो देखिए क्या आएगा, 4 मतलब 4, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट बैठना चाहिए, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3rd इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट देखिए, उसने बोला एजुकेशन को लिख रहा है फ्रेंड्स, कोई शब्द ही नहीं बन पा रहा इससे, तो देखिए जरा सोचिए, थोड़ा माइंड लगाना है, यहाँ एन था उल्टा लिख दिया, देखिए ओ ओ आई आई टी टी मतलब पूरा उल्टा लिख दिया, तो हम क्या करेंगे इसका उल्टा करेंगे, तो ई सी एन ई जी आई डबल एल ई टी एन आई, तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो देख के बताना है हमें इसमें से, ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट, देख सकते हैं सी एन ई जी आई डबल एल, क्लियर, ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट, मतलब उल्टा लिख दिया, उसके लेटर्स ना उल्टे रख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, उसने बोला है कि देखिए ये हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं या लंबाई या हाइट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए उसने बोला कि जो मंगल जो है बुध और रवि से क्या है, बड़ा है, तो मान लिया ये क्या है, मंगल है, इसे एम से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, बुध को मतलब बी से करता हूँ, बी और इनसे क्या है, बड़ा है दोनों से, ये बेस मान लिया, इन दोनों से बड़ा है, लेकिन इनके बारे में नहीं पता ये दोनों कौन किससे बड़ा है, इनके बारे में नहीं पता फ्रेंड्स। क्लियर, ये हो गया, इसे मान लिया बुध बी से कर दिया, इसे रवि मतलब आर से कर दिया। अब बोला बृहस्पति जो है बुध से बड़ा है, बुध से छोटा है, तो बुध से छोटा कर दिया बृहस्पति। क्लियर, किंतु शनि से बड़ा है, तो शनि यहाँ होगा, क्योंकि शनि से बड़ा तभी हो सकता है। अब इनके बारे में तो कोई बात की नहीं थी, बुध और रवि के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, लेकिन ये बृहस्पति के बारे में रखे, बृहस्पति को बी आर से कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बृहस्पति को बी आर से, और शनि मतलब एस से कर दिया। क्लियर, तो उसने पूछा सबसे छोटा कौन होगा, तो शनि होगा फ्रेंड्स,
सबसे छोटा शनि ही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है नेक्स्ट विकल्प क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। इसमें तो आप खुद ही देख के बता सकते हैं, आकृति में इतना फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, इसने पूछा है कि प्रश्न आकृति को पूरा करें, मतलब जो दे रखे इसे कैसे करेंगे, तो समझिएगा या स्टार या क्रॉस। तो देखिए आगे वाली क्या बनेगी, जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, यहाँ देख पाएंगे आप यहाँ कितने दे रखे हैं, यहाँ 5 दे रखे हैं और यहाँ कितने दे रखे हैं फ्रेंड्स, यहाँ 4 ही दे रखे हैं। तो मतलब यहाँ पे कुछ एक अपनी तरफ से बढ़ा दिया गया है, तो क्या बढ़ा दिया गया है, देखिए सर्कल था सर्कल है, इक्वल है इक्वल है, क्रॉस है क्रॉस, स्टार है स्टार है, लेकिन ये कहाँ से आ गया हमारे पास, यहाँ पे दे दिया आपके सामने देखा हुआ है, यहाँ पे इसमें सर्कल क्या बोल सकते हैं, जो स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर अपनी तरफ से बढ़ा दिया गया है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये। तो देखिए क्या करेंगे हम इसका, जो फ्रेंड्स यहाँ दे रखा था नीचे, तो मतलब जैसे ये दे रखा है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ आएगा त्रिभुज और यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ स्टार था तो यहाँ क्या आएगा नीचे एस, क्लियर। अब बात करते हैं, अब देखो ओ जो दे रखा था यहाँ पे, मतलब यहाँ एरो दे रखा था, एरो इसके इक्वल आएगा और नीचे इसके क्या आएगा फ्रेंड्स, जो हमारे पास सबसे ऊपर दे रखा था क्या आएगा प्लस, तो इसके नीचे प्लस आएगा, क्लियर। तो ऐसा कोई मैच कर रहा है, तो देखिए प्लस वाला कोई मैच कर रहा है ऐसे, देखिए ये कर रहा है प्लस है ठीक है, लेकिन यहाँ मिस्टेक किस बात की है कि यहाँ रोमबस यहाँ अलग कर दिया है, ये गलत होगा। देखिए इसमें करेक्ट है कहीं तक, ये करेक्ट है करेक्ट है, तो इसमें सी आया फ्रेंड्स, क्या आया सी आया, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे साथ को, इसमें क्या कर दिया सी बढ़ा दिया गया है, तो इसमें ये बताना कौन सा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखिए क्यों, क्योंकि हमारी अलग लेटर आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो अलग लेटर आया इससे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, हमारा जो लेटर यहाँ अलग आ रहा है यहाँ सी है, ये तो फ्रेंड्स अपनी तरफ से लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्या था हमारे पास, यहाँ तो फ्रेंड्स था हमारे पास प्लस, तो यहाँ सी लिख दिया है। देखिए और किसी से मैच नहीं कर पा रहा, मतलब और बाकी कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो इस वजह से जब बाकी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो यही कंडीशन मैच हो रही है, तो सी क्या है अपनी तरफ से लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास क्वेश्चंस जो आपके सामने करा दिए गए, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है आपसे नहीं हो पा रहा है, मैथमेटिक्स रीजनिंग या फिर GK या फिजिक्स, जो भी आपके पास सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे लिए मेल कर सकते हैं, मेल आईडी हमारे पास आपको पता होगी, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।